अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेफ फैसल तानी सुपर कुकिंग शो में आपका खैरियत का हूँ। अगर रेसिपी टाइम पे ईवा कुकिंग ऑयल सगर विटामिन ए एंड डी का भरपूर कोलेस्ट्रोल का कंट्रोल कह ओमेगा थ्री में मौजूद है। ओमेगा थ्री एक मच्छी के अंदर जो समुंड के अंदर गहराई में मच्छी होंगी उन में कैप्सूल टांदा जो मच्छी वाले कैप्सूल ताकत ला खाई उनमें मौजूद है। इनके तमाम बेहतरीन हार्ट डिजीज ला यानी दिल की बीमारी ला कोलेस्ट्रोल जॉइंट्स पैना उन तमाम बेहतरीन कुकिंग ऑयल है। ईवा सनफ्लावर कुकिंग ऑयल, ईवा कनोला कुकिंग ऑयल, ईवा बनस्पति घी लो कोलेस्ट्रोल घी है। इन्हें मिठा ठाओ बनस्पति घी में हाँ जो सियारो जो हलवा ठाईस बनस्पति घी का इस्तेमाल काफ़ी सारो पराठन में ईवा बनस्पति घी नई पैकिंग में हर जगह अवेलेबल है। अज में ठाया पे मच्छी छा मच्छी की काफ़ी फरमाइश अचे पे पैं भी रेसिपी तक बताएँ सिखारे एक बोल ठाओ एक तरियल मच्छी मसाले वाली ठाई हुई अज में वो ठाया पे जी जाम शोरे के पुल से अलमंजर रेस्टोरेंट है उतने की जो फेमस मच्छी कोई मसालो वेजिटेबल ठाईंदी मिक्स वेजिटेबल। ठीक है, आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार। एक तो मैं बना रहा हूँ फिश अलमंजर की फिश है वहाँ की जो हम अलमंजर जाम शोरों की हैदराबाद की मशहूर फ्राई फिश है जो आपने खाई भी होगी वो मैं यहाँ पे बनाना सिखा रहा हूँ क्योंकि अब सीज़न आ रहा है सर्दियाँ आ रही हैं तो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा ये मौका होता है कि हम फिश खाते हैं और इस सीज़न में तो फिश फ्राई होगी मज़ेदार। एक लास्ट मैंने लास्ट वीक बनाना सिखाई थी एक है अभी कंटिन्यू फिश की बहुत सारी वैरायटी है ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मछली आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से जो आपकी पसंद हो वो लें। उसके साथ वेजिटेबल जलफ्रेजी बना रहा हूँ, वेजिटेबल जलफ्रेजी बहुत ही मज़ेदार है। ईवा कुकिंग ऑयल के साथ बनाएंगे वेजिटेबल जलफ्रेजी। आए लास्ट वीक भी भाव जी की फरमाइश आई हुई कि जलफ्रेजी ठाण से खाऊँ चिकन जलफ्रेजी डिफरेंट होती है वेजिटेबल जलफ्रेजी ठाए पो मज़ेदार भाई रेसिपीज नोट कर जो 12 बजे रिपीट हलन है स्क्रीन से नंबर हले पे कॉल कर पुछी सको था। मच्छी की कटिंग सिंधी स्टाइल में ही कराई है। ठीक है, तुम चाहो तो स्लाइस में भी कर सको था। ठीक है, ये कटिंग होती है एक पूरी फिश है 1 से 1.5 किलो 1.25 किलो जितनी फिश होगी। फ्राइंग पैन में ये तवे पे पूरी नहीं आती है, वैसे ये पूरी साबित बनती है 20 से 2 स्लाइस करके लंबाई में होती है कट जो ओरिजिनल इसकी रेसिपी सी होती है लेकिन हमने यहाँ पे 4 पीस में कर दिया ऐसे। ठीक है, इसमें कट्स सेंटर में लगे हुए ताकि मसाला जो इस पर लगेगा वो इसके अंदर तक चला जाएगा। अगर आप स्लाइस वाली मछली बना रहे हैं तब भी लेकिन कोशिश कीजिएगा इस तरीके से कटिंग कराइएगा। ये उसको आप कहेंगे बैक बोन से कटिंग होगी जो ये पेट वाले हिस्से से कटिंग नहीं होती, ऊपर वाले जो सर की तरफ उस कमर वाला हिस्सा होता है वहाँ से कटिंग होती है लंबाई में खोल के स्लाइस की तरह। उसके बाद इसके 4 पीस हो जाएंगे, इस तरह आपने कटिंग करानी है। ठीक है, ईवा कुकिंग ऑयल गर्म कंदासी आहिन जो ज़बरदस्त मसालो ठहिंदो मसालो बिल्कुल डिफरेंट है जो तुम पीसे पंजे हथ से वही घर में जो मौजूद है ना वो मसालों में ऐड कंदासी। ठीक है, यहाँ पे ईवा कुकिंग ऑयल गर्म करते हैं। ठीक है, इतना ऑयल लेना है कि आपकी फिश हाफ इसके अंदर डिप हो जाए। ठीक है, मैंने तकरीबन 2 कप जितना 2 से 2.5 कप जितना ऑयल है और जो फिश का ऑयल हम यूज़ करते हैं उसके बाद आप उसको ठंडा करके छान के रख दिया करें क्योंकि सीज़न है अब मछली का सर्दियाँ आ रही हैं तो ये इसमें आप 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा तक ज़्यादा अगर ब्लैक ब्राउन होने लगे तो फिर उसको आपने गार्बेज कर देना है शॉपर में बांध के। कभी सिंक में ना डाला करें, ब्लॉकेज आ जाती है, शॉपर में डाल के डस्टबिन में डाल दें थैली में बांध के। ठीक है, ताकि वो आउट हो जाए। ऑयल हमने गर्म करना है और मीडियम टेम्परेचर पर ये ऑयल गर्म होगा। ठीक है, ईवा कुकिंग ऑयल गर्म थे पो 2.5 कप पुजे ताकि मच्छी ताजी चंगी तरह में फ्राई थे। अगर चाहो तो तए के मथा घट ऑयल में भी कर सकूँ था। जैसे ऑयल फ्राई थियण का इनके छाणे थदो कर छाणे रखी छा कर अगेन 4-5 दफ़ा तक इनमें मच्छी फ्राई कर सकूँ था तो इन कर अलग रखो तो बोर्ड में ना विझा क्योंकि भाजी में ना विझा क्यों। ठीक है, पानी नहीं होना चाहिए फिश को। आप जब धोएंगे फिश को अपने धोने के बाद अच्छी तरह छन्नी में रख दें, हवा में रख दें, पंखे के नीचे ताकि इसमें पानी ना हो। और जब फिश खरीद के आते हैं नमक लगा के रखा करें 15 मिनट के लिए। ठीक है, अगर 1 किलो मछली है तो इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच नमक हाथ से लगा दें, रख दें, उसके बाद वॉश करके 15 मिनट बाद आप उसको रख दें जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। यहाँ पर ऑयल हमारा जब गर्म होगा, बहुत ज़्यादा भी गर्म ना, इतना गर्म होगा फिश आपकी क्रिस्पी फ्राई हो जाएगी। ठीक है, फिश को क्रिस्पी फ्राई करके हम निकालेंगे, उस दौरान एक मसाला बनाऊंगा, मसाला बहुत ही मज़ेदार है। वो मसाला बिल्कुल घर के जो हमारे घर में हर चीज़ मौजूद होती है वो मोटा मोटा कुटा हुआ जैसे मसाला तो वो डलेगा, लेमन जूस डलेगा, चाट मसाला डलेगा,
और ये रेसिपी आपकी हो जाएगी तैयार। इसको बनाएंगे, अगर आपने एक किलो के हिसाब से मैं मसाला बना रहा हूँ, आपने दो किलो मछली बनानी तो मसाले की क्वांटिटी आपने बढ़ा देनी है, ठीक है। कॉल बैठूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे भाई, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आपके क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। भाई क्या बना रहे हो आज? लाइट नहीं है आपकी? नहीं है, अभी आपसे बात कर रही हूँ ना, तो फिर टीवी ऑन करूंगी। अच्छा ठीक है, मैं फिश फ्राई बना रहा हूँ, जो जामशोरों की फ्राई फिश होती है ना अलमंजर की, वो बनाना सिखा रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी। फिशल भाई मैंने फरमाइश की थी। कौन सी? चटपटे ग्रेवी आलू। सॉरी, चटपटे ग्रेवी आलू। चटपटे ग्रेवी, हाँ वो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जितनी तारीफ की थी उतनी कम है, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल। फैसल भाई मैं आपसे बात भी करना चाहती हूँ, मेरी छोटी सिस्टर आपकी बहुत बड़ी फैन है। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरा सलाम कहिएगा उनको, ठीक है? ठीक है ठीक है, वो भी आपको सलाम दे रही है। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा इसको कवर कर दिया है, कवर करना है, कवर करने का चाहती हूँ कि मच्छी फ्राई भी थी वी आई, जो किचन खराब थी सो ऑयल उथली बाहर अची वो भी ना थो, किचन तुम साफ रही, कवर कर छा क्यों 5 मिनट में, छा पानी हों, जैसे पानी ऑयल में वो तो सो किचन खराब थी बाहर इंदा, छंटा फेस भी सड़ी सके तो। जेस तीन मच्छी फ्राई थे भी मीडियम फ्लेम से करनी है, गोल्डन क्रिस्पी कलर थी तेस तीन असो मसालो टाइंदी, ठीक है। इसका हमने एक मसाला बनाया, ग्राइंडर में बनेगा, अच्छा इसकी जो रेसिपी है ये देते नहीं अपनी रेसिपी किसी को भी, मैंने वहाँ पे प्रोग्राम किया था, प्रोमो शूट किया था, तो बहुत मुश्किल से मैंने उनसे वो बातों बातों में वो रेसिपी मैंने उनसे ले ली थी, वरना उनको वो अलाउ नहीं करते किसी को, ऑनर्स उनके, जो वहाँ पे एक चाचा बना रहे थे ये फिश, मैंने उनसे ये मसाला पूछा था, उन्होंने मुझे बता दिया था, वरना सीक्रेट रेसिपी होती है, काफ़ी सालों से बचपन से हम सुनते आ रहे हैं वहाँ की फिश, तो वही वाला मसाला मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। वही मसालों जो होते ठाँदो वो तक ठाण सिखाना पो, एक किलो के हिसाब से हमें विजंदी साबित धाना ब खाने का चमचा, साबित धनिया 2 खाने के चम्मच, ठीक है 2 टेबल स्पून, सफ़ेद जीरा 1 खाने का चम्मच भर के डालेंगे, 1 खाने का चम्मच अच्छो जीरो, 1 खाने का चम्मच साबित धाना, ठीक है 1 खाने का चम्मच सफ़ेद जीरा, 1 खाने का चम्मच साबित धनिया, ठीक है सॉरी 2 खाने के चम्मच साबित धनिया, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद जीरा, साबित लाल मिर्च इसमें जाएगी, 1 किलो के हिसाब से बना रहा हूँ, ठीक है साबित लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे 8 अदद जी। कॉल बैठ होता है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? दुआएं आपकी? बस आज हमारी भी फरमाइश पूरी हो रही है मछली की। हाँ मछली की अब इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे, वीक में एक दफा जरूर बनाऊंगा जी। फैसल भाई मछली कौन सी ली है आपने? मछली मैंने ये दरिया की मछली है, ठीक है मीठे पानी की, आप कोई भी जो आपको अच्छी लगे आप यूज कर सकते हैं। ये लग ही रही है, दिख रही है कि मीठे ही पानी की है जी, क्या कह रही हैं? मैंने कहा लग रही है, देखने में इतनी फ्रेश दरिया की मछली लग रही है। बिल्कुल दरिया की मछली बहुत फ्रेश होती है, और ये यहाँ जोहर से ही मैंने ली है, जोहर में मिल जाती है तो आप वहाँ से ले सकती हैं, हर जगह मिलती है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी कुकिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। आप कौन सी सिटी से बात कर रही हैं? जी मैं कराची से नसीम बोल रही हूँ, क्लिफ्टन से। अच्छा अच्छा चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिए, कोई फरमाइश है तो बताइएगा। नहीं बस फरमाइशें तकरीबन आप पूरी कर देते हैं, बस यही तारीफ करनी थी कि आप बहुत अच्छा समझाते हैं, सब कुछ समझ में आ जाता है आपकी, बस यानी शो बहुत 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 अच्छा है। बस दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है थैंक यू ओके। अच्छा 2 खाने के चम्मच साबित धनिया, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद जीरा, 8 अदद साबित लाल मिर्च, ठीक है 2 खाने का चम्मच साबित धाना, 1 खाने का चम्मच अच्छो जीरो, 8 अदद लौंगी मिर्च, ठीक है 8 अदद लौंगी मिर्च, ठीक है हाँ इनमें विझंदी कारा मिर्च साबित 1 खाने का चम्मच, साबित काली मिर्च हम इसमें डालेंगे तकरीबन 20 दाने डाल दें, ठीक है 1 खाने के चम्मच के करीब बन जाएगा, लेकिन साबित डालने में अंदाजे से डाल रहा हूँ, 20 अदद दाने आप डाल दें साबित, ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, छोटी इलायची 3 अदद, नंडा पोटरा 3 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, दालचीनी की स्टिक टूटी तोड़ के रखी हुई है ये एक बड़ी 3 इंच जितनी 4 इंच जितनी स्टिक, इसको आपने तोड़ के डाल देना, ठीक है ये हमने डाल दी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे राई, राई सरें जब बिज हूंदा आहिनि इहो हिनमें केतिरा वेंदा 1 खाइण जो चमचो, 1 खाने का चम्मच राई चली गई, ठीक है। इसके बाद हम क्या डालेंगे इसमें, जायफल जावित्री, जायफल जावित्री की आपने ये स्टिक्स 2 अदद इस तरह डाल दें 1 चाय के चम्मच जितनी, ठीक है और ये जायफल तोड़ेंगे
इसका शेल तोड़ के इसके अंदर से हमने क्वार्टर डालना है। ये बिल्कुल छालिया की तरह अंदर से शेल खुल जाता है, ये खुली विंदो है। अगर ये ना मिले तो ना विझिजो, लेकिन ये ज़रूर रखंदा क्यों वठी एडा महंगा नथा मिलन ये वठी रखंदो तो इलाही खादन में मैं यूज़ करना है तो ये तो भी कर सको था। ठीक है, इसका हमने ये छालिया की तरह देखें, इसके कटिंग होने के बाद ये बिल्कुल जैसे छालिया होती उस तरह निकलता है, तो ये हमने हाफ से हाफ डालना है। ठीक है, वरना बहुत कड़वाहट भी आ जाती है ज़्यादा डालने से। चौथा हिस्सा हमने ये डाल देना है। ठीक है, चौथों हिस्सों असं यो विझी छो इनका बाकी पीठल मसाला जो अंदर हिंज वा वो बाद में। ठीक है, अजवाइन, सॉरी अजवाइन इनमें वी एक चाय जो चमचो अजवाइन भी एक चाय का चम्मच चाहिए। इसको हमने ग्राइंड करना है। बिल्कुल पाउडर ना हो जाए, जी अध कुटियल मसालो होंगे उन तरीके से। ठीक है, इस तरह वह कुटा हुआ मसाला बन गया, मज़ेदार ये मसाला। और लेमन जूस, वैसे तो इमली के पल्प के साथ होता है लेकिन मैं लेमन जूस डाल दूँ। ठीक है, इसके ऊपर फिश को देखते हैं, फिश हमारी बिल्कुल फ्राई हो रही है। इसके ऊपर अब आपने क्या करना है, ऑयल इसके ऊपर डालना है स्पून से। ठीक है, ये तकरीबन तैयार थी भैया, हेठा का फ्राई थी भैया। गरम गरम तेल इनके मथा विझी जो चंगी तरह इनके फ्राई करना है। ठीक है, इसको अच्छी तरह फ्राई करना है और फिर इसको पलट देना है ताकि दोनों साइड से ये क्रिस्पी हो जाए। अब इसको पलटते हैं, पीस को उठा के एहतियात से, ऑयल बहुत गर्म है, हाथ ना जले जी। कॉल बट हूँ इनके पलटाई छत जो बिन इन पातन का ही कड़क थी बने। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। मैं ये बताने के लिए फोन किया था फैसल, वो बनाए मेरे मेहमान खाओ थे, वो हम लोग खा रहे हैं अभी। अच्छा, कैसे लग रहे हैं? बहुत जबरदस्त लग रहे हैं, वो फरुख किया है, बिनिश वगैरह बहुत मजे के बने। आप जब इस तरह की चीजें बनाती है तो आप मुझे खालिद भाई को याद नहीं करती, भिजवाती नहीं है, हालांकि अपने एड्रेस भी दिखाओ। आ जाओ ना, तुम्हारे पास तो गाड़ी है ना। मुझे क्या पता, मुझे वही नाजिल थोड़ी होती है। अच्छा, मैंने तस्वीर भेजी अभी, तो फिलहाल उसमें एंजॉय करो। चले, हमारी तरफ से भी खाइएगा। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा, मेरे बहुत मजे। देखे खालिद भाई भी मुझे टॉकबैक में कह रहे हैं कि खुद ही पका के खुद ही खा जाती हैं। भाई मैं तो पिक्चर भेजती हूँ। चले, अच्छी, अल्लाह हाफिज। ये देखें, ये हो गई फ्राई। ठीक है, एतरी कड़क उजण खपे आए इनके फ्राई। एकड़ो मिनट बस दिखारी छा, ये देखें निकाल के गरम गरम इसका प्रोसेस करना है। ठीक है, जी मच्छी ही गरम गरम निकलन दी, जैसे ही फिश गरम गरम निकलेगी इसके फौरन ऊपर हमने मसाला डालना है। ठीक है, लेकिन अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक थी वह। ठीक है, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके ये सेकंड फिश जब फ्राई होगी इसके ऊपर फिर मसाला साथ ही डालूंगा। बट उधर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़िम, ब्रेक तो उनका पहले ही सामू जो ईवा कुकिंग ऑयल में मच्छी फ्राई थे पे मज़ेदार जाम शोर की रेसिपी असं ठाकुर पाया जो रेस्टोरेंट में असं खाइंदा इन लाइ शूँ वो सब बुधाइंदम। ऑयल तमाम बेहतरीन है, वाइटामिन ए डी का भरपूर। ईवा कनोला कुकिंग ऑयल, ईवा सनफ्लावर कुकिंग ऑयल और उन गड ईवा वनस्पति घी, लो कोलेस्ट्रोल ओमेगा 3 में मौजूद है, ताजी हार्ट डिजीज ला, ताजे जॉइंट्स पेन ला, तमाम सुठो है। इनमें वो खादा ठा, फिश को देखते हैं। फिश मैंने एक फ्राई कर ली थी, दूसरी भी फ्राई हो रही है, दूसरे साइड से एक साइड से जब कलर आ जाए तो इसको आपने पलट देना है। ठीक है, बहुत एहतियात से आपने इसको पलट देना है, पलटाए बिन इन पासन का बिल्कुल क्रिस्पी ब्राउन थियण खपे। ठीक है, बिल्कुल क्रिस्पी, दो पीस मैंने निकाल दिए थे और गरम गरम जब ये बने तो इसको कवर कर दें अच्छी तरह ताकि ये अच्छे से फ्राई होने लगे। मसाला जो इसका बनाया था वो रिपीट कराता हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी। पहली कॉल बटूँ था, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं रुखसाना जैदी बोल रही हूँ। जी जी, रुखसाना जैदी, क्या हाल है आपके?
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आज मैंने देखा कि मछली बना रहे हैं और वो भी जामशोर पुल वाली। जी जी तो बिल्कुल। मुझे याद आया कि हम भी गए थे कॉलेज की तरफ से, हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स को गए थे। अच्छा। तो वहाँ पे हम लोगों ने मछली खाई थी और बहुत बड़े बड़े से उनके कढ़ाव और ये सब कुछ, बहुत बड़ा बड़ा फिश भी, बहुत बड़ी बड़े साइज की, इसीलिए मैंने कटवा के वो छोटे साइज में बना रहा हूँ, फुल साइज की होती बड़ी फिश। जी जी, तो वो बहुत मजे की थी। अच्छा। तो अभी आप जैसे कह रहे कि आपने वही की रेसिपी ली है, तो यकीनी तौर पे बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया है आपने, हम बहुत अच्छे से, मुझे लगता है मैंने बहुत पहले आपसे कहा भी था, फरमाइश भी की थी। जी जी बिल्कुल। जी जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने वही की रेसिपी, वही के इंग्रेडिएंट्स लेके, बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी उनसे लेके और वही मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। बहुत जबरदस्त, इंशाल्लाह हम ये बनाएंगे और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपने बिल्कुल साइज जैसे आपने भी मछली का बड़ा लिया है और उसको पीसी चार पीस तो करा दिए। हाँ, क्योंकि हमारे पास तवे नहीं होते, उनके पास इतना बड़ा प्लेटर होता है कि पूरी पूरी फिश फ्राई हो रही होती है। जी हाँ जी हाँ, इतना बड़ा साइज का होता है कि उसमें इतना, यानी पूरी फिश इतनी, और उसमें उनकी आंखें भी होती हैं शायद। जी अभी इसी तरह याद नहीं, लेकिन आंखें होती हैं, सब कुछ होता है, दुम भी होती है साथ उनकी। जी जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। फिर इसको फिश माँ कड़ी चटी, गरम गरम जब फिश निकलेगी ना, तो इसका जो ऑयल है गरम, वो भी हम इसके ऊपर डालेंगे। लेकिन उससे पहले मसाला रिपीट करा रहा हूँ, ठीक है। एक खाने का चम्मच जीरा, दो खाने के चम्मच साबुत धनिया, एक खाने का चम्मच राई, ठीक है। उसके साथ मैंने इसमें साबित लाल मिर्च डाल दिए 8 अदद, काली मिर्च 20 दाने डालिएगा, एक खाने का चम्मच के करीब बन जाती है, ठीक है। जायफल जावित्री दोनों मिला के 1 टीस्पून अंदाजे से आपने थोड़े थोड़े ले लेनी है, ठीक है। ये डाल दी और इसके बाद हमने इसमें अजवाइन डाली है, कितनी, 1 चाय का चम्मच। ये डाल के आपने इसको ब्लेंड कर देना, ब्लेंड करके, और सॉरी इसमें गरम मसाले में क्या किया गया, 1 बड़ी इलायची, 3 अदद छोटी इलायची और 1 अदद दालचीनी की स्टिक तोड़ के डाल देनी है। ग्राइंड करें, ग्राइंड करने के बाद एक प्याले में निकाल लें, ठीक है। वरी ॿुधायां थो छा छा कयो, 1 खाइण जो चमचो अछो जीरो, 2 खाइण जा चमचा हिन में साबित धाणा विया, राई 1 चांहि जो चमचो, ठीक है, ऐं अजवाइन हिन में मां विधी आहे 1 चांहि जो चमचो, अजवाइन ज़रूरु विझिजो, ठीकु आहे। हुन सां गॾु जायफल जावित्री मिले त ठीकु आहे, न मिले त न विझिजो, लेकिन मिली वञे त ज़रूरु विझिजो, फ्लेवर ईंदो आहे। थोरो अधु चमचे जेतिरी ॿई विझी छॾिजो। कारा मिर्च हिन में विझिजो 20 दाणा टोटल, ठीकु आहे। लौंगी मिर्च 8 अदद विझिजो, दालचीनी जी 1 डंडी, वॾो फोटो 1 अदद, नंढा फोटा 3 अदद, इहे सभु पीसण खां पोइ जी हिकिड़ो मिंट बसि होल्ड कराइजो। पीठल धाणा हिन में वेंदा 1 खाइण जो चमचो, ठीकु आहे। ऐं हिन में मां विझंदमि लूणु 1 चांहि जो चमचो, पीठल धाणा विधा हिन में मां 1 खाइण जो चमचो ऐं लूणु 1 चांहि जो चमचो विधो, ऐं कॉल वठूं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अदा ठीक आहियो? बिल्कुलु, दुआऊं वधी, छा हाल आहिनि तव्हांजा? अलाह जो शुक्र अदा, असां ठीकु आहियूं। रेसिपी ॾिसूं पिया, तमामु सुठियूं पिया ठाहियो, महिरबानी तमामु घणी। अदा कल असांखे तव्हां सां शिकायत आहे थोरी, ॿुधायो। अचानक मुंहिंजी रेसिपीज़ वधीक हुयूं, टाइम घटि हुयूं, मां जज़्बात में 3 रेसिपी करे छॾियूं, इन करे आख़िर में जल्दी जल्दी में न रेसिपी कम्पलीट करी तव्हांखे ॿुधायां थो, ठीकु आहे। थैंक यू, अलाह हाफ़िज़। आख़िर में इनमें वेंदो चाट मसालो 1 खाइण जो चमचो, 1 खाने का चम्मच चाट मसाला लास्ट में, ठीक है। ये सब मिलाया गरम गरम, पहले फिश आप बनाने से पहले मसाला बना के रख दें, इसको अच्छी तरह मिक्स किया, नमक 1 चाय का चम्मच डाल दिया। इस मसाले को हमने मछली के ऊपर डालना है इस तरह, ठीक है। गरम गरम मछली, क्योंकि मैंने ब्रेक आ गई थी तो मैंने ये उतार ली थी, पूरा मसाला इसके ऊपर ओवरलैप करें, सॼो मसालो मछी जे मथां चङी तरह तव्हांखे लॻाइणो आहे, ठीक है। ये पूरा मसाला और जो बच जाए ये मसाला रख दीजिएगा, फिर नेक्स्ट आपको यूज़ हो जाएगा, 2 फिश में आराम से चला जाएगा, ठीक है। ये मसाला मैंने ज़्यादा बना दिया, अच्छी तरह भर के डालना है मसाला, ये भरा हुआ होता है, इसके ऊपर पूरी एक लेयर आती है, ठीक है। इस तरह डाला, ठीक है। इसके बाद हम क्या डालेंगे, इसके ऊपर लेमन जूस, लीमे जो रस, या गिदामड़ी जो पेस्ट, उतने गिदामड़ी जो पेस्ट भेजा है, लेकिन माँ लीमे जो रस भेजा पे, ठीक है। इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, लेमन जूस भी डाल सकते हैं, इस तरह लेमन जूस चम्मच से पर अच्छी तरह डालें। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, इसको ट्राई कीजिएगा, सफ़ेद चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी, ना चपाती नान के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। लेमन आप अपने हिसाब से इतने ले लीजिएगा कि इनकी पूरी कोटिंग हो जाए। गरम गरम ऑयल एक दफ़ा फिर गरम करता हूँ, वही वाला गरम गरम ऑयल इसके ऊपर डलेगा, ठीक है। गरम गरम ऑयल मुझे मथा विंदो, फिर ऐसो
दिखा जो, ये देखें गरम गरम ऑयल इसके ऊपर जा रहा है, तो ये मसाला जब गरम उबला हुआ ऑयल इसके ऊपर जाएगा तो ये मसाला इस पर चिपक जाएगा और ये फिर आप सर्व कर देंगे। ऑयल से मसाला पक जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। गरम ऑयल होना चाहिए बहुत ज़्यादा, जिस तरह फ्राई हुआ, ये देखें इस तरह झाग सी बन रही है, ये मसाला सारा इसके ऊपर चिपक रहता है इन तरीके से, ये मसालों से जो है जी मथा चिमड़ी मिलो, ठीक है। ये देखें ये हो गई हमारी फिश तैयार जाम शुरू की, ठीक है। इसको हम प्लेटर में निकालते हैं, सेकंड रेसिपी पे आते हैं फौरन। मज़ेदार एंड ईजी रेसिपी है, मसाला वही यूज थींदा जो घर में होंदा, उते वही खबर न पवंदी है कि अलह छा शे है, कड़ो मसालो है, लेकिन ये हाँ तक अंदाजो थी वो कि एडी महंगी उते मच्छी तुम वही खाइंदा हो, तो वही तक घर में सस्ती कड़ी भेजी थी वाले, बहुत एक्सपेंसिव होती है ये वहाँ पे। एक हमने फिश बनवाई थी तकरीबन 2 से 2.5 किलो की, 2 किलो तक का दाना था, 4,500 का वो एक दाना था, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कितनी एक्सपेंसिव पड़ती है। तो इसलिए आप ख़ुद अपने सामने अपने घर में बनाएं और इजीली बन जाएगी आपसे, ठीक है। ये हो गई आई हाँ इन सब थोड़ी सी गार्निशिंग क्यों था, टमाटर रखी छोड़ो, खीरा रखी छोड़ो थोड़ा, ठीक है। सैलेड के साथ थोड़े फ्रेश सैलेड अच्छा लगता है इस तरह की फ्राई चीज़ों के साथ, वैसे भी रखा करें बच्चों के लिए, ख़ुद भी वैसे खाया करें, आजकल बहुत अच्छे सैलेड्स आ रहे हैं, ये सब चीज़ें फ्रेश मिलती हैं, खीरा वगैरह, मूली, मूली भी खानी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत से लोग मैंने देखा वाइट करते हैं, मूली खानी चाहिए, ठीक है। असा जी बिल्कुल थी वही तैयार रेसिपी आहें लिखे माँ होते रखी थी, चलो ठीक है। ये हमारी एक रेसिपी हो गई रेडी, जाम शुरू की फिश आई हाँ छाए, सेकंड रेसिपी वेजिटेबल जलफ्रेजी। वेजिटेबल जलफ्रेजी ला असांगे भाजियों केड़ी केड़ी खपन जो को हियर सीजन जी भाजियों हैं, ठीक है। पानी मैंने यहाँ पे बॉयल किया हुआ है, फूल गोभी वॉश की हुई, आप लोग वॉश कर लीजिएगा, छोटी सी मिल गई है, तो इस तरह कम कम क्वान्टिटी में देख के आप छान के, वो छान के कह रहा हूँ, देख के आप खुद ले सकती हैं, छोटी फूल गोभी सॉरी बंद गोभी छाए फूल गोभी, हाँ फूल गोभी, ठीक है। इसके साथ एक अदद गाजर, छिलका उतारा हुआ है इसका, गाजर के स्लाइसेस कर रहा हूँ, ठीक है। इन सारे सख्त जगह भाजियों इन जो मैं खल ना पिलाया तहाँ चाहे तो लाही सको था, ठीक है। आप चाहें तो आलू की स्किन हटा दें, मैं नहीं हटाता, मुझे वैसे ही पसंद है ये स्किन के साथ पुलाव वगैरह में बहुत अच्छे लगते हैं आलू, इस तरह इसके आपने पीसेस क्यूब्स में कटिंग कर दें। इसको ब्लांच करना है, पानी हमने बॉयल करने रखा हुआ है, मैंने 2 से 3 गिलास जितना बखर टे गिलास पानी रखे ला बॉयल थे, बस इनके विझी 5 मिनट का पो कटासी जैसे ही मसालों ठाईदी, ठीक है। हे थी वो मटर थी जेके सख्त भाजी हुई वो सब विझा पे, बाकी हे आन फलियों ये आजकल आ रही हैं, फ्रेंच बीन्स आ रही हैं, ठीक है, ये मिल जाती हैं, कोई भी आप लेने जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। ये बीन्स अजकल मिलन पियूँ इन मौसम में अच्छी वेंदियों, ये सूप्स में भी विझ पियूँ फलियों, तो ये भी विझी छजो, ठीक है। बीन्स आप ले लें इस तरह साइड इसके हटा के, ये बीन्स हम डालेंगे, ये सब बॉयल होंगी और ये सैलड में भी डलती है, बहुत ही मज़ेदार लगती है इस तरह की बीन्स। आप सैलड बनाते हैं तो इसमें आप ऑलिव ऑयल वगैरह डाल के, मैं बनाना सिखाऊंगा अब आपको कुछ सैलड्स भी, तो उसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मज़ेदार इकड़ी ताकि जल फ्रेजी ठंड से खाना पे मिक्स वेजिटेबल में आई चिकन जल फ्रेजी भाऊ जी फरमाइश आए, तो वो भी इंशाल्लाह एक ब वीक में तैयार कंदासी वाइट राइस सगर। फिश की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपने कैसी लगी आपको, ठीक है। आई हे थी वही असांजी भाजी तैयार कटिंग में, आई हाँ पानी जो बॉयल थे पो इनमें असाई वेजिटेबल्स विझासी, ठीक है। ये डाल दें, 5 से 7 मिनट में ये सब्जी हमारी बॉयल हो जाएगी, जब तक हम इसका मसाला बनाएंगे, ठीक है। सख्त वाली जो वेजिटेबल और जो आपको अच्छी लगे आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ब्यू भाजियों भी जिके सुठी लगन वो भी तुम ऐड कर सको था, सियारे में भाजियों तमाम सुठी होंदियों हैं, इलाही सारी भाजी अच्छी सॉरी मटर, मटर अध कप हाँ अचन पे अध कप मटर भी हैं, ठीक है। थोड़ी सी फूल गोभी आए आए गजर आए एक अदर, ठीक है। तुम इनमें शलजम जो होंगी है वो भी विझी सको था, गोगड़ू जिनके चबो आ वो भी ऐड कर सको था, ठीक है। शिमला मिर्च वगैरह जो सॉफ्ट है वेजिटेबल ये मैं हटा देता हूँ, फिश का ऑयल कवर करके रखते हैं, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तो फिर आप इसको छान लें, सब
सब्जियां हमारी हो रही हैं पे फ्राई और बॉयल। एक अदद प्याज लेते हैं, ठीक है, एक अदद बसर। हाँ, हिकड़ी बी कढ़ाई रखूँ था जैमें असा वेजिटेबल जलफ्रेजी ठाइंदा सी। ईवा कुकिंग ऑयल, अच्छा भाजीन में ऑयल जी मकदार घट विझंदा कयो, तकरीबन 4 टेबल स्पून जितनी ऑयल यूज़ कंदा कयो, ठीक है। सब्जियों में वेजिटेबल्स में ऑयल कम यूज़ किया करें। ये हमारा एक छोटा प्याज, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्याज नहीं जाएगा, मैं अभी भी बचा के रख रहा हूँ इसमें से। यहाँ पे हम लेंगे ईवा सनफ्लावर कुकिंग ऑयल, नहीं आज कनोला है, ठीक है, ईवा कनोला कुकिंग ऑयल पाउच में इजीली मिल जाता है। ये देखो थैली आए पाउच, ठीक है, इनके मथा ढक लगल है, ये तुम कढ़ी इन में विझी इनके तुम यूज़ कर सको। तब ऑयल तकरीबन 4 खां 5 खाण जो चमचा यूज़ किया ईवा कनोला कुकिंग ऑयल। ये गरम थी इनमें एक नंडी गंढ बसर जी विझंदी। अच्छा भाजीन में बसर वधिक गाढ़ो ना कबो है, ठीक है, वेजिटेबल में प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होता है, थोड़ा लाइट कलर में होता है। इसके लिए देखते हैं ये, जब तक मसाला हमारा हो रहा है, सॉरी प्याज हो रहा है फ्राई। अब यहाँ पे हमने क्या लेना है, एक अदद शिमला मिर्च वॉश की हुई है, वह सब्जियाँ आप लोग ने अच्छी तरह वॉश कर लेना, ठीक है। भाजियों चंगी तरह धोए पो इस्तेमाल करना क्यों, बेजिन जहाँ हटाई छोड़ो, इनके भी क्यूब में कटिंग कर बैठना से, ठीक है, वेजिटेबल को भी क्यूब में कटिंग कर लें। शिमला मिर्च जाएगी इसमें, प्याज इसमें थोड़ा कच्चा भी जाएगा, वो बताता हूँ किस तरह, जैसे हम जलफ्रेजी में यूज़ करते हैं, ठीक है जी। ब्रेक जो टाइम थे पे जैसे हल्को सा बसर गुलाबी थी, मैं टमाटा और भाजियों कटे रखा तो ब्रेक का पहुँची रेसिपी कंटिन्यू कर। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका रेसिपी ठाही फिश फ्राई कई असां ज़बरदस्त जाम शोरे जी, उहा ईवा कुकिंग ऑयल में कई, विटामिन ए ऐं डी खां भरपूर ओमेगा 3 मौजूदु आहे, कनोला कुकिंग ऑयल, सनफ्लावर कुकिंग ऑयल ऐं हुन सां गॾु बनस्पति खीर, ज़ीरो कोलेस्ट्रोल आहे, तमामु बहितरीन हर जॻह अवेलेबल आहे। हाणे मां छा ठाहियां पियो, वेजिटेबल जलफ्रेजी। वेजिटेबल जलफ्रेजी लाइ असांखे छा खपे, 4 खां 5 खाइण जो चमचा ईवा कनोला कुकिंग ऑयल खयो, उनमें एक गंढ बसर जी हल्की गुलाबी कई है, वधिक मां उनके फ्राई ना कयो, ठीक है। इतने भाजियों असा जो बॉयल थी वही, सब्जियां हमारी बॉयल हो गई हैं, अब हम क्या करेंगे, हल्की आंच कर लें ताकि मसाला जले नहीं। इसमें 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा चला गया, ठीक है, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाला, हल्का सा इसको सौते करें। उसके बाद जो वेजिटेबल्स हैं बॉयल वो हम डालेंगे, बॉयल भाजियों सब कटी जे अंदर विझंदासीं हल्की बाहि ते। बॉयल वेजिटेबल्स यहाँ से बल्कि ऐसे निकाल के लाता हूँ, जितनी बॉयल की थी वेजिटेबल्स वो सारी आपने निकाल के इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। वेजिटेबल निकाल के आपने इसको हल्का सा फ्राई करना, भाजीन के हल्को सा फ्राई कर दो, अच्छो ज़ीरो विधो खाली, ठीक है ना, मसाला मुँह ऐड कौन कहने में, टमाटो भी ऐड कौन कर, बच्चों के जलफ्रेजी है, जलफ्रेजी में टमाटो थोड़ो साबित हों, ठीक है। सब्जियों को स्टर फ्राई करें 3-4 मिनट तक, जब ये स्टर फ्राई होंगी तो हम इसमें मसाले डालेंगे। शिमला मिर्च अब जाएगी इसमें, शिमला मिर्च हाने एक विधि क्यूब्स में कटिंग करें, ठीक है, उनसा गड इनके थोड़ा सा मिक्स करना से 1 मिनट वरी ताकि शिमला मिर्च थोड़ी सॉफ्ट थी बने, ठीक है। शिमला मिर्च मैंने क्यूब्स में कटिंग करके डाली, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, इसको स्टर फ्राई किया। अब मैं इसमें डालूँगा मसाले, मसालों में क्या किया जाएगा, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, पिठल गाढ़ा मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, कुटियल गाढ़ा मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, पिठल धाणा 1 चाय का चम्मच, कुटियल गाढ़ा मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, पिठल गाढ़ा मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, लूण 1/2 चाय का चम्मच, हैड 1/2 चाय का चम्मच, हाणे लूण 1/2 चाय का चम्मच, ठीक है। पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच,
धनिया पाउडर एक चाय का चम्मच डाला, इसको स्टर फ्राई किया। अब मैं इसमें डालूंगा टमाटर, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके से बनती है, मज़ेदार रेसिपी है। टमाटर डाले क्यूब्स में कटिंग किए हुए। अब ये टमाटर के साथ मसाला स्टर फ्राई होगा, ठीक है। इसमें पानी नहीं जाएगा, ड्राई होती है वेजिटेबल और मज़ेदार ही बनती है। इसको अब हल्का सा कवर करेंगे 5 मिनट के लिए, 4 से 5 मिनट हल्की आँच पर कवर करेंगे, ठीक है। जब तक इसमें अभी प्याज मैंने नहीं डाला, प्याज थोड़ा लास्ट में डालूंगा, क्रंचीपन आएगा। आई इनमें सावा मिर्च विंदा कितरा बिच में बकरी जंदा सी ट्रे दस सावा मिर्च, ठीक है। हरी मिर्च लंबाई में दो कर दें सेंटर से, ये जाएगी। हरा धनिया जाएगा इसमें, प्याज जाएगा, ठीक है। हरा धनिया हसबे ज़रूरत थोड़ा सा, और हरी प्याज साई बसर फाइन चॉप करें, ठीक है। ये आधे कप जितनी, हाफ कप जितनी हरी प्याज, हाफ कप हरी प्याज रहेगी जी। कॉल बैक तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फैसल भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं परवीन बात कर रही हूँ कराची से जी। कुछ कहना चाहेंगी? कहना तो कुछ भी नहीं चाहूंगी, लेकिन फरमाइश की हुई है उसके मतलब सॉरी बोलना चाहती। मैंने आपसे फरमाइश की थी ना। किस चीज की? मैंने लबे शीरी की फरमाइश की थी। लबे शीरी ठीक है। मैं आपकी लबे शीरी देखिए या तो कल बना दूंगा या नेक्स्ट, बल्कि कल ही बना देता हूँ, ठीक है। ठीक है भाई, जल्दी बना देना फिर मैं। हाँ सॉरी सॉरी, मुझसे मिस हो गया था, कल मैं बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू जरूर देखिएगा, अल्लाह हाफिज़। इनकी लबे शीरी की रेसिपी मुझसे रह गई थी, इसको एक दफ़ा फिर मिक्स करें, ठीक है। ये रेस्टोरेंट्स में जो वेजिटेबल्स मिलती हैं हम मंगवाती हैं उसी तरह की रेसिपी, ठीक है। थोड़ा सा गरम मसाला लास्ट में जाएगा और अदरक फाइन जूलियन कटिंग करके थोड़ी सी हम लास्ट में डालेंगे, ठीक है। अदरक बिल्कुल घट फाइन जूलियन कटिंग करें लास्ट में विझंदा सी, ऐं थोड़ो लीमे जो रस विंदो। मज़ेदार ही रेसिपी तव्हांजे साम्हूं तयार थी वेंदी, ठीक है। 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल गरम किया, छोटा सा एक प्याज हल्का सा सौते करें, एक चाय का चम्मच जीरा डाला, ठीक है। फिर वेजिटेबल्स जो थी बॉयल की हुई, थोड़ी सी गोभी, एक गाजर हाफ कप जितने, मटर एक, आलू, और उसके साथ आपने बीन्स ले लेने, ठीक है। इनको बॉयल करें, जो भी अच्छी वेजिटेबल आपको लगे आप बॉयल कर सकते हैं, सख्त वाली, ठीक है। वो डाली, उनको थोड़ा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद पिसी लाल मिर्च, हल्दी, कुटी लाल मिर्च और नमक आधा आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर एक चाय का चम्मच डाल के मिक्स किया थोड़ा। सौते करने के बाद उसमें टमाटर डाल दें, टमाटर डाल के आपने इसको कवर कर देना है 5 मिनट, और शिमला मिर्च एक अदर डाल दें 5 मिनट कवर करने के बाद। बाकी चीज़ें अब डालूंगा, फिर कॉल बैठूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अदा अदी शाजी, अच्छा हाल आहिनि तव्हांजा? हा दमा बिल्कुलु ठीकु आहियां, तव्हां ॿुधायो तव्हां कीअं आहियो? बिल्कुलु दुआऊं तव्हांजूं। हा दर सु दर स्पीस तमाम बेहतरीन पिया ठाहियो, कल बि अब ॾाढा सुठा ठाहियव। अच्छा ट्राई कया तव्हां? कजो ज़रूर। न अञा ट्राई न कया अथऊं। ठीकु आहे। हा कल बि ॾाढी ट्राई कयमि बणण लाइ, छो नंबर एॾो बिज़ी पियो वियो, कालू बि लास्ट में न हुयूं। अच्छा। हा मां चयो मां बि तव्हांखे हिकु ॿ ॿुधायां, जेका असां मतिलबु हिननि बिहनि खे मतिलबु पचाईंदा आहियूं, इन्हनि बिहनि खे मां चयो तव्हां बि उन मतिलबु तरीक़े सां पचायो। अच्छा। हा बिल्कुलु, अदा असां वरी जेके तव्हां कल बिह ठाहिया न बॉइल करे, हा त असां वरी उन जे विच में मतिलबु मसालो भरे करे पोइ पकौड़नि में तरींदा आहियूं। अच्छा, उहो बि तरीक़ो मूंखे मोकिले छॾिजो। अच्छा, मां वरी ठाहींदुसि न पोइ तव्हां मतिलबु हुन जी पिक्स कढी आहे तव्हां मूंखे। बिल्कुलु, ऐं रेसिपी बि मूंखे ॿुधाइजो छा छा मसालो भरियो आहे, ठीकु आहे। हा बिल्कुलु, ऐं अॼु पता जेको इहो ठाहियो फिश ठाही अथव न जी। हा असां इन स्टाइल में पलो पचाईंदा आहियूं। अच्छा हलो ज़बरदस्त, तमामु मतिलबु बहितरीन, एॾो सुठो पियो लॻे, ईअं पियो लॻे जॾहिं असां मतिलबु पंहिंजूं डिशिस पई लॻनि। अच्छा हलो सुठी ॻाल्हि, ॾाढो सुठो पियो लॻे। पर दादा तव्हां लीमो एड कयो न त तव्हां हे गिदामड़ी एड कयो असां, ॾाढो सुठो थियो। मां उहेई चयो पियो न की गिदामड़ी एड थींदी आहे, लेकिन मां लीमो एड कयां पियो। हा ठीकु आहे, सही आहे, पर तमामु बहितरीन पई लॻे। महिरबानी, तमामु घणी महिरबानी। ऐं हीअ जेके रेसिपी पिया ठाहियो हिन वेजिटेबल जी, हा हा ये भी ट्राई कजो जरूर, ठीक है। हां हां इंशाल्लाह, तो जरूर ट्राई करनी आया, कुछ तो मैं जरूर ठाईनी आया, जरूर कजो, ठीक है। ठीक है दा, ओके अल्लाह हाफिज़। वेजिटेबल्स हमारी जब आप देखेंगी बिल्कुल इनका कलर चेंज होने लगा है, शिमला मिर्च का। फिर मैंने इसमें प्याज डाल दिया साबित कटा हुआ, 4-4 पीस करके, एक छोटे प्याज के भी डालिएगा, क्रंची पन आता जैसे जल फ्रेजी में आता, ठीक है। एक बसर भी इनमें मलास में विधो है, अना इनके मैं कवर कंदम, पहली मैं इनमें विझंदम सावा मिर्च 3 अदद हरी मिर्चें 20 से 2 करके डाल दें, ठीक है। हरी प्याज इसमें जाएगी हाफ कप जितनी, साई बसर अध कप, सावा धाणा भी 2 खाने चम्मच, ठीक है। ये डाल दिया और इसको करेंगे हम मिक्स, और इसको दम पे लगाएंगे, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर बिल्कुल माइनर सो
खट गरम मसालो पाउडर चौथों चाय जो चमचो गरम मसालो पाउडर मैं इनमें विधो इनके बट चार मिनट अस दम से रखासी ये वेजिटेबल असि थी तैयार में घुट पानी पी वा गाले गाले अलग कुछ थी वाली अच्छा ये जबरदस्त रेसिपी है ठीक है वरी रिपीट कराया पो जो हाँ ईवा कुकिंग ऑयल से गए पी रेसिपी जबरदस्त है ऑयल इनमें तुम खादा ठाओ कनोला कुकिंग ऑयल सनफ्लावर कुकिंग ऑयल ओमेगा थ्री में मौजूद है जो खादा ठाया पो ठीक है रेसिपी भाजी की रिपीट कराया पो ईवा कुकिंग ऑयल में इनमें खाओ चार का पंज खाण जो चमचा उनमें एक नंबी गंढ बसर हल्की सी गुलाबी कई अचो जीरो विधो एक चाय जो चमचो ठीक है उनका बॉयल भाजी जो भी तक सुठी लगन वो विझी छो ब मिनट फ्राई कजो उनमें गाढ़ा मिर्च अद चाय जो चमचो पीठल कुटियल गाढ़ा मिर्च अद चाय जो चमचो लूण अद चाय जो चमचो हेड अद चाय जो चमचो पीठल धाणा एक चाय जो चमचो विझी उनके थोड़ा फ्राई कजो मसालन के उनका इनमें टमाटा भी छो शिमला मिर्च भी छो कवर के छो पंज मिनट का इनमें मिक्स कर वरी बसर एक नंबी बसर वरी विझो क्यूब्स में कटिंग कर उनके वरी मिक्स कजो उनका इनमें सावा मिर्च विधा ठीक है ब खा टे दा सावा मिर्च लंबाई में कटिंग कर विधा थोड़ा अद कप जितरा अस इनमें साई बसर विधी उनका सावा धाणा विधा वरी इनके मैं दम से रखो थोड़ा गरम मसालो विधो खुशबू ला पंज मिनट दम से रखने का इनके मिक्स कंदासी इनमें थोड़ा सो लीमे जो रस विधो आखिर में ठीक है पाँच मिनट इसको कवर करने के बाद इसके ऊपर लेमन जूस एक चाय का चम्मच बहुत ज़्यादा खटास भी ना हो एक चाय का चम्मच लेमन जूस डाला ठीक है इसको फिर हम करेंगे डिश आउट और अदरक ऊपर से थोड़ी सी डाल के इसको हमने कर देना है सर्व ये आप वाइट राइस के साथ खाएं बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी वेजिटेबल जलफ्रेजी चिकन जलफ्रेजी भी थोड़ी डिफरेंट इसी तरह से बनती लेकिन थोड़ा उसका तरीक़ेकार डिफरेंट होता है टाइम बुझाजो केतरो रहिजी वियो ठीक है ये मज़ेदार रेसिपी सुभाणे लबे शीरी बनाएंगे कल आपकी फरमाइश थी सॉरी मैं भूल गया था और लबे शीरी के साथ कोई एक अच्छी सी रेसिपी बनाएंगे ठीक है सुभाणे लबे शीरी ठाईंदासीं मिठो जिनसां गॾु हिकिड़ी रेसिपी ठाईंदासीं ठीक है इनके कवर हटा के बहुत ज़्यादा गलाना नहीं वेजिटेबल्स खड़ी होनी चाहिए ठीक है खड़ी खड़ी इसको हल्का सा मिक्स करें हल्के हाथ से ताकि हरा धनिया हरी प्याज और लेमन जूस ये सब का इसमें फ्लेवर आ जाए ठीक है ये सब वेजिटेबल्स कलरफुल ज़बरदस्त भाजियों हाँ सियारे में भाजी जो सीज़न होंगे सुठी सुठी भाजियों सियारे में इंदियो ठीक है बहुत अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स आती हैं सर्दियों में इस तरह की आप बनाएं इसके ऊपर अदरक डालेंगे अदरक बिल्कुल फाइन जूलियन कटिंग की भी आखिर में ठीक है ये असि थी वही रेसिपी तैयार और इसको आपने वाइट राइस के साथ सर्व करना ठीक है अच्छे चावल से कद इनके तां सर्व कंदो वेजिटेबल जलफ्रेजी दो रेसिपी आज की मैंने आपके साथ शेयर की और इस तरह फरमाइशें भी हैं और फ़िश की हर वीक मैं सोच रहा हूँ एक रेसिपी आपके साथ ट्राई करते आप लोग को सिखाता रहूँगा ताकि फ़िश की बहुत सारी वैरायटी जो सर्दियों में हम खाते हैं इंशाल्लाह नवंबर के फर्स्ट वीक से चाइनीज़ सूप्स यखनियाँ हलवे इस तरह की बहुत सारी वैरायटी हैं और कुछ मिठाइयाँ हैं तो वो मैं इंशाल्लाह बनाऊँगा बेकिंग भी करेंगे बहुत ही मज़ेदार के साथ गर्म मौसम के हिसाब से खाने भी बनाते रहेंगे अगर आप लोग अपनी कोई रेसिपी अपने साथ मेरे साथ शेयर करना चाहती हैं तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकती हैं मेरे पेज पर कुकिंग विद शेफ से ठीक है अपना बहुत सारा ख्याल रखिए कल 12 बजे रिपीट चलेगा कुकिंग विद शेफ से मेरा पेज हमारी रेसिपी अपलोड हो जाएगी वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिन टीवी HD कुकिंग शो ठीक है सिन टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पर सर्च करें वहाँ वीडियोज़ अपलोड हो जाती कल वाली भी अपलोड हो गई है इंशाल्लाह सुबह 12 बजे रिपीट हलंदो कुकिंग विद शेफ समझो पेज और रेसिपी अपलोड होंगे पर फोर्स सारा ख्याल रखते दो याद रखो इंशाल्लाह सुबह वही मुलाकात होगी Thank you.